Hey friends, hello. Welcome once again. I am your friend Dr. Alinur Qureshi और मैं आपका स्वागत वेलकम करता हूँ मेरे YouTube चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल. आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है फीवर और स्टीरॉयड्स. फीवर में स्टीरॉयड्स दिया जा सकता है क्या, या अगर फीवर बहुत ज़्यादा हो या कम हो तो उस कंडीशन में हम स्टीरॉयड देते हैं क्या, उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं. तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फीवर अगर प्रोमिनेंट है, प्रोमिनेंट फीवर मतलब क्या, कोई फीवर अगर बैक्टीरिया से हो रहा है, वायरस से हो रहा है, या मॉस्किटो बाइट से हो रहा है, जैसे कि टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, रिकेटशियल फीवर है, ऐसे जो प्रोमिनेंट फीवर होते हैं फ्रेंड्स, इस फीवर्स में जो है पहले ही जो है इस पेशेंट की इम्यूनिटी जो है वो लो हो जाने लगती है. इम्यूनिटी इज गॉन गोइंग लो. और स्टीरॉयड जो है, स्टीरॉयड्स एज यू नो स्टीरॉयड्स आर इम्यूनो सप्रेसेंट. तो इम्यूनिटी जो पहले से ही लो हुई है उसमें स्टीरॉयड्स देने के बाद वो पेशेंट की इम्यूनिटी और लो होती है और उसकी कंडीशन जो है और ख़राब हो सकती है. इसीलिए जो प्रोमिनेंट फीवर है जैसे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगोनिया और रिकेटशियल फीवर, ऐसे जो फीवर्स रहते हैं जिसमें ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं, जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस रहते हैं, ऐसे कंडीशंस में जो है स्टीरॉयड्स नहीं दिया जाता है फ्रेंड. तो स्टीरॉयड्स कोई भी हो, डेक्सा हो, हाइड्रोकॉर्ट हो, मेथैलप्रेडनिसोल हो, बेटनिसोल हो, कोई भी स्टीरॉयड हो, ये फीवर के प्रोमिनेंट फीवर के कंडीशन में ना दिया जाए. हाँ, स्टीरॉयड कब दिया जाता है, जब फीवर ये किसी दूसरे कंडीशन की वजह से हो, जैसे कि राइनाइटिस की वजह से फीवर हो, कफ की वजह से फीवर हो, या फिर स्वेलिंग की वजह से फीवर हो, इन्फ्लामेशन की वजह से फीवर हो, जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है. तो ऐसे जब कंडीशन होते हैं फ्रेंड्स, उस कंडीशंस में जो है हम फीवर के साथ दूसरे मेडिसिन के साथ, जो भी दूसरे उस तकलीफ़ के जो भी मेडिसिन हैं दूसरे, उस मेडिसिन के साथ हम उस टाइम पे स्टीरॉयड दे सकते हैं. बट अगर प्रोमिनेंट फीवर है, मैं जैसा बताया 4-5 फीवर के नाम जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड फीवर रहते हैं, वो फीवर को मैनेज करना थोड़ा अवगड़ होता है, वैसे फीवर में फ्रेंड्स आप दूसरे मेडिसिन के साथ स्टीरॉयड बिल्कुल ना दें. बहुत से लोग जो है बार बार डेक्सामिथाइजोन का नाम लेते रहते हैं, पर डेक्सा तो ये शॉर्ट एक्टिंग स्टीरॉयड है. ये डेक्सा स्टीरॉयड तो कभी भी ना दिया जाए फ्रेंड्स फीवर में. कोई सी फीवर, प्रोमिनेंट फीवर हो या एसोसिएटेड फीवर हो, उसमें डेक्सा बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए. हाँ, जब एसोसिएटेड फीवर है तो उसमें प्राइमाकॉट या हाइड्रोकॉट का रोल बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स. ये हुआ फीवर और स्टीरॉयड के बारे में, ये है प्रोमिनेंट और एसोसिएटेड फीवर. बट ऐसे कुछ कंडीशंस हैं फ्रेंड्स जो कि जिसमें जो है पेशेंट स्टीरॉयड डिपेंडेंट होते हैं. अगर कोई पेशेंट स्टीरॉयड डिपेंडेंट है तो उस कंडीशन में अगर प्रोमिनेंट भी फीवर हो तो हम स्टीरॉयड्स देते हैं थोड़े मात्रा में. तो स्टीरॉयड जो है एसोसिएटेड कंडीशन हो और फीवर बहुत ज़्यादा हो और स्टीरॉयड डिपेंडेंट है पेशेंट, तो उस कंडीशन में हम स्टीरॉयड देते हैं फ्रेंड्स. बट स्टीरॉयड जो है प्रोमिनेंट फीवर्स में ना दिया जाए. डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, रिकेटशियल, ऐसे जो प्रोमिनेंट फीवर है उस फीवर में आप जो है चिकनगोनिया, मिजल्स, स्मॉल पॉक्स, ऐसे जो फीवर्स होते हैं उसमें आप जो है स्टीरॉयड्स को फ्रेंड्स प्लीज़ अवॉइड करें और पेशेंट की जान से ना खेलें. स्टीरॉयड देना ही है तो एसोसिएटेड फीवर्स में दें. और जो पेशेंट स्टीरॉयड डिपेंडेंट हैं, जैसे कि ब्रेन के पेशेंट रहते हैं, कुछ मायस्थेनिक ग्रेविस के पेशेंट होते हैं, कोई अलग अलग जो पेशेंट होते हैं जिसमें एसोसिएटेड कंडीशन होते हैं, उनमें भी जो टर्म है एसोसिएटेड कंडीशन, उनमें ही स्टीरॉयड दिया जाता है. और स्टीरॉयड उनमें जो मात्रा में दिया जाता है उससे ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है. तो प्रोमिनेंट फीवर नो स्टीरॉयड और एसोसिएटेड फीवर स्टीरॉयड दे सकते हैं. और स्टीरॉयड में भी कौन सा स्टीरॉयड वापरना, डेक्सा बिल्कुल ना वापरे आप, वहाँ पर वापरे जो कि फास्ट एक्टिंग हो, जैसे कि हाइड्रोकॉर्ट या प्राइमाकॉर्ट हो. तो ये जो है मेरे स्टीरॉयड की इंफॉर्मेशन और फीवर की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, कि बहुत सारा कंफ्यूजन बहुत से लोगों के दिमाग में होता है, बार बार वो कमेंट करते हैं कि सर फीवर है. और एक कंडीशन कि वो इसमें और एक कंडीशन बताई जाती है कि ब्लीडिंग भी कभी कभी पेशेंट को होता है, तो उसमें भी कुछ लोग स्टीरॉयड को एडवाइस करते हैं.
ब्लीडिंग भी अगर पेशेंट को है तो उस कंडीशन में भी आप स्टीरॉयड को अवॉइड करें। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।